आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने से जो है हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अधिकारी और सलाहकार मुख्यमंत्री वो आए हैं, वो कृपया यहाँ पहुंचे। सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जी नमस्कार, मैं अभी प्रभात जी को सुन रहा था, आपको भी मैंने सुना। तो प्रदेश के बारे में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, प्रदेश के विकास के बारे में, प्रदेश के लोगों में क्या चाह है, क्या हमारा प्रदेश कैसा दिखाई दे, और हम चूंकि पूरे देश के एक महत्वपूर्ण भाग हैं, तो हमारे प्रदेश से निश्चय ही पूरे देश में राजनीति सबसे ज्यादा एंट्रीज हुई। तो निश्चय ही वी आर द मोस्ट क्रिटिकल स्टेट, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा चुनाव के चरण भी है, मैक्सिमम चरण भी है, और हम भी, मैं भी एक वोटर हूँ और कल मुझे वोट देने जाना है। तो मैं तो केवल इतना ही बिंदु पर प्रारंभ करूंगा, और चूंकि मैं जिलों में जिलाधिकारी रहा हूं, तो क्या इतनी जल्दी, इतना खूबसूरत, इतना इम्पैक्टफुल कोई प्रोजेक्ट हो पा रहा है? आज अयोध्या के बारे में रोज चर्चा हो रही, राम मंदिर के बारे में रोज चर्चा हो रही, क्या ये जो पूरी कहानी राम मंदिर की, मैं तो वहां कलेक्टर भी रहा हूँ हैदराबाद अयोध्या में 1997-98 में, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी ऐसा होगा कि अयोध्या से इंटरनेशनल फ्लाइट्स चलेंगी, और प्रधानमंत्री जी ने उसका भी शुरुआत किया। ये जो मेरे ही सामने, हम लोग भी अच्छे बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, आईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, हम लोग भी सोच रखते थे अफसर के रूप में, लेकिन हम लोगों की सोच से भी परे था कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। अयोध्या में पूरे देश की ट्रेनें आएंगी, वंदे भारत टाइप की फास्ट ट्रेन आएंगी जो 5 से 6 घंटे में जो है दिल्ली से अयोध्या सीधे पहुंचाती है। कल 70-80 लोग का एक ग्रुप आया, पूर्व राष्ट्रपति जी के साथ पूरी ग्रुप आया, पूरी ट्रेन से आया, और आज ट्रेन से, कल ट्रेन से निकल गए, एक दिन में आया, एक दिन में निकल गया। ये कभी सोचा नहीं जा सकता था। 2017 में जब मुख्यमंत्री जी आए तो वो खुद संत है, खुद जो है एक पीठ के अध्यक्ष है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भी उस पीठ के जो है अध्यक्ष है, लेकिन उन्होंने एक चीज हम लोगों को कहा, अफसरों की मीटिंग में बैठ के कहा कि आप लोग अपने प्रदेश का पोटेंशियल अचीव नहीं कर रहे, 1% भी पोटेंशियल नहीं अचीव कर रहे हैं जितना अयोध्या, काशी, मथुरा, वृंदावन, आप विंध्याचल, आप बुद्धिस्ट पूरा सर्किट ले रहे। तो ये सोच के बाद एक एक करके प्रोजेक्ट आगे बढ़े। अयोध्या में पहली बार जब दीपोत्सव हुआ, मुख्यमंत्री जी ने दिए जलाने का निर्देश दिया और दीपोत्सव का आयोजन हुआ, उत्तर सुधार और वहां के प्रशासन से, मुझे याद है कि पूरा विश्व झुका और 650 चैनल ऐसे थे पूरे विश्व के जिन्होंने पहली बार कवर किया। और जब प्रधानमंत्री जी 2023 में अयोध्या में दीपोत्सव में गए, लाखों लाखों दिए जलाए गए, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति पूरे देश में या पूरे विश्व में होगा जिसने दीपोत्सव देखा रहा होगा। और प्रधानमंत्री जी के सामने जो ये जो दृश्य था, इस दृश्य को अपने टीवी चैनल पर देखकर प्रभावित ना हुआ। सर, आपने जो बात की खासतौर से, उसको हमारे दर्शक भी और हमारे जो लोग हमारे यहाँ बीच बैठे वो भी उसको अग्री करते हैं। मैं चाहूंगी कृपया एक माइक से हमारे एक दो गेस्ट ऐसे बैठे जिनसे हम एक दो प्रश्न लेंगे, खासतौर से मैं चाहूंगा कि हमारे ब्यूरो है जिसमें के साथ साथ पहले मैं उनको लेकर गया था, तो मुझे वहां पे लगभग 8-9 घंटे मुझे लगे, मैं कानपुर के रास्ते से और इंडिया के रास्ते से मैं निकला। अभी मैं कुछ दिन पहले मैं पहुंचा, आज मैं जा रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से चढ़िए। बिल्कुल, मेरी माता जी लगभग 74 वर्षों की है और वो मतलब मुझे इस बात का डर था कि बहुत झटके ना लगे, तो उन्होंने बोला नहीं आपकी नया बनाया आप इससे चढ़िए। सर, इट वॉज आई थिंक लेस देन 5 आवर्स मैं झांसी पहुंच गया, और झांसी से मात्र 30 किलोमीटर दूरी पर वो गतिया जो भी था वहां मैं गया, और मैंने वापसी में भी मैंने वो रास्ता अपनाया। सर, दिस हैज बीन डन, बट एंड आई थिंक मतलब मुझे ये लगा अभी, अभी आपने एक्सप्रेस वे की बात की, तो क्योंकि मैं एक्सप्रेस वे से जुड़ा रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के साथ 2017 से, जितने भी एक्सप्रेस वे है उन पर बहुत सारा कार्य हम लोगों ने किया है। मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए, पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि हमारे जो भी एक्सप्रेस वे निर्माण भी थे, हमारा आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पूरा नहीं था, उसको पूरा कर
की व्यवस्था पूरी अच्छे से बना के रखो। फिर उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमें बनाना है, क्योंकि पूर्वांचल के लिए विशेष रूप से कार्य हमें करना है। और मैं इस मुझे बताने में खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ में, जहां मैं कलेक्टर रहा हूँ, वहीं पर उसका शिलान्यास किया और कोविड काल होते हुए भी उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही जो है किया। और वो उद्घाटन पूरे थोड़ा भी आपका जो है कमिटमेंट है तो वो जरूर डाले। मैं देख रहा हूँ आजकल की हर आदमी सोशल मीडिया पे है, बच्चा भी स्टूडेंट भी सोशल मीडिया पे है, हर यूथ सोशल मीडिया पे है। तो अगर आप सोशल मीडिया में 5 साल हैं तो 5 मिनट जाकर अपना वोट अपने ही यूथ पर न डाल सके, ये उचित नहीं है। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरी बहू और माननीय अफकोर्स सभी लोग हम लोग कल जाकर सुबह 10 बजे अपने केंद्रीय विद्यालय मुंशी नगर में वोट डालेंगे। और माननीय जी की इलेक्शन कमीशन की ब्रांड एम्बेसडर भी रही है, तो मैं जिलों में चुनाव में हम लोग वोटर प्रतिशत बढ़ाते रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि हमें पुनः एक अवसर मिल रहा है कि हम वोट डाल सके, ये जरूर है। अभी एक किसी और चैनल पर मुझसे पूछा था वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में, मैं शुरुआत में कहना चाहूंगा सवालों का भ्रमण करके ये जो पूरा जो मॉडल सेट किया है इसका निश्चित ही फर्क पड़ा है। और यही कारण है कि यूपी का जो डेवलपमेंट दर है वो इंडिया से भी आगे है। इंडिया का डेवलपमेंट दर तो आपको मालूम है कि अभी कल परसों का तो आया है कि वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग बिग इकोनॉमी है, तो यूपी भी इंडिया में वन ऑफ द इज दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, जहां वर्ल्ड में इंडिया 5वें स्थान से लेकर अब 3रे स्थान पर 2027 से पहले बहुत जल्दी हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य है कि यूपी को $1 trillion इकोनॉमी ले जाना है, हम 2रे स्थान पर है, इसको 1रे स्थान पर ले जाए। हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि हम 5th largest, 6th largest कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है, हमारा यूथ इतना ट्रेंड है, उसको हमको आगे ले जाने की जरूरत है। ये पूरा जो लक्ष्य है इसमें जब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, निश्चय ही हमको लगता है देश प्रदेश मजबूत हाथों में है और देश और प्रदेश और मजबूत होता जाएगा। अपने प्रदेश के हर नागरिक को कहीं ना कहीं किसी का किसी रूप में हर तरह से उसको लाभ दे सकते। मैं एक बात अपने दर्शकों से और बताना चाहता हूँ, खासतौर से जो विभिन्न चैनलों पे वो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं सर के साथ में, क्योंकि सर इससे पहले के जो मुख्यमंत्री थे सर, वो उनके बारे में जब मीडिया में चर्चाएं होती थी तो बहुत अच्छी वे में नहीं आती थी। मुख्यमंत्री जी को 2017 के बाद वो पदभार ग्रहण करते हैं तो उनको प्रमुख सचिव सूचना के तौर पर अवनीश अवस्थी जी मिलते हैं। और सर इससे पहले मैंने मुझे नहीं आती थी कि इतनी पुरानी तो मैंने पत्रकारिता नहीं किया। और आचार्य विजय शर्मा से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा आपको सुनाते हैं। 2024 को लेकर है आपका क्या, एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका 2024 का इलेक्शन किस तरफ बाजी मारेगा? हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम संध्या आरती के समय मंदिरों में पहुंचना चाहिए, खुद पहुंचे। ये बड़ी बात है, इसको तालियां जरूर बजनी चाहिए क्योंकि समय संध्या के समय पर हमें आरती जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखिए ईश्वर अपने आप में रुचि मुझे लगता है वो हमारे मन में भी है, लेकिन हाँ ये बात भी सही कि वो पवित्र जगहों पे है, इसलिए मुझे लगता है संध्या आरती चाहे हम अपना मंदिरों में घर में जरूर करनी चाहिए। और अब सपना जी मेरा आपसे अनुरोध ये है कि अब आप अपने प्रश्न सेशन को बाइंड अप करें, लास्ट सेशन हम शबनम जी के साथ करेंगे, उसके बाद से सीधे लंच के लिए हम लोग अग्रसर होंगे और फिर उसके बाद हम सेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज आप अपना प्रश्न के साथ बाइंड अप करें। दो सवाल अभी आपसे, एक पॉलिटिकल और एक नॉन पॉलिटिकल। पहले सवाल, उत्तर प्रदेश में इस समय हम बैठे हैं तो योगी आदित्य जी की बात नहीं हुई एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन उनके बारे में मैं जानना चाहूंगी कि उनकी एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है। देखिए एक चीज समझ लीजिए कि मैं गोरखनाथ मंदिर भी गया और मैंने बहुत कुछ रीड किया और शायद हमारे पास पता नहीं कई लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है कि गोरखनाथ मंदिर में एक रूम है, काफी बड़ा एक हॉल है जहां पे योगी जी के पहले के जो भी जितने भी लोग थे उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है क्योंकि एनर्जी को थोड़ा सा जिस भीड़ से जुड़े होने की वजह से थोड़ा सा समझ सकते हैं। जब मैं उस रूम में गया जहां पर उनकी खाली मूर्तियां लगी हुई थी
वहां पे एनर्जी का लेवल इतना जबरदस्त था कि पूछिए नहीं। योगी जी जहां से जुड़े हुए हैं, सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उस सनातनी के अंदर एक इंट्यूशन पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता है क्योंकि शायद उनकी डेट ऑफ बर्थ 5 नंबर है न्यूरोलॉजी के हिसाब से, वो जो इंट्यूशन पावर है उस और नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है उसको अगर हम देख रहे हैं, मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी जी का जो ये नारा है और जो कॉन्फिडेंस है 400+ का 400 पार का वो पूरा होता हुआ पूरी तरीके से दिख रहा है। जुझारू आदमी है, उनकी लग्न वृश्चिक है, वृश्चिक राशि के हैं, और जैसा कि पहले भी शायद इसी चैनल में ने कहा है कि शनि की जो स्थिति है, क्योंकि शनि ही सबको बनाता है और बिगाड़ता भी है, तो शनि देव की जो पोजीशन है उसको देखते हुए भी नरेंद्र मोदी जी ने हमको पूरी तरीके से लीड करते हुए दिख रहे हैं। और हो सकता है कि हमारे नॉर्थ इंडिया में इस साइड में कुछ सीटें हो सकता है कम हो, लेकिन हमें पूरी तरीके से विश्वास है कि दक्षिण में और उस साइड में काफी कुछ सीटों में बढ़ोतरी हुई है। तो जीत तो नो डाउट नरेंद्र मोदी जी की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, इस बात की तो बहुत बड़ी संभावना है। एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी में ऐसा नरेंद्र मोदी जी की कुंडली देखिए, कई कई आचार्यों ने, कई पंडितों ने ये बताया कि उनकी 10 साल की दशा थी, तो क्या वो 10 साल की दशा उनकी चल रही है या वो खत्म हो गई है या आगे किस तरह से वो 100% चल रही है और वो अभी चलेगी। और हमको लगता है कि अब की बार कुछ कोविड वगैरह की वजह से उन्हें काम करने का मौका कम मिला है और अभी तो फिलहाल ये लीड करेंगे ही करेंगे और कोई ताकत नहीं है, और बल्कि लीड भी करेंगे और शायद जो आने वाला, क्योंकि भारत का जो लग्न है वो भी वृष लग्न है और कर्क राशि है, तो अगर भारत की कुंडली को भी देखते हैं तो ये जो आने वाले जो 5 साल है वो भारत। और इस चर्चा में बीजेपी नेता शबनम पांडे से भी खास चर्चा की गई, साथ ही कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने भी शबनम पांडे से सवाल जवाब किए। जनता पार्टी के समर्थन में लोग आते हैं जो चाहते थे कि कश्मीर हमारा हो जाए, मजबूती से हो जाए, 370 हट जाए, वो देखते हैं कि कश्मीर उनका हो गया, कोई सोचता था कि हमारा गांव दिल्ली से जुड़ जाए तो उनका गांव दिल्ली से जुड़ जाता है, कोई सोचता था कि हमारे शहर में बीमारू प्रदेश होता था, आज दूसरी आर्थिक व्यवस्था बन गई है और इसी तरीके से भाजपा जिन जिन प्रदेशों में है वहां मजबूती आ रही है। तो ट्विटर और एसी में राजनीति करने वाले निश्चित तौर पे आपको दिखेंगे, लेकिन जनता देखिए हिंदू मुस्लिम में वो बार बार कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी करती है, लेकिन मेरा ऐसा आग्रह है कि ये चुनाव को धार्मिक तौर पे या जातीय तौर पे बदलने का काम विपक्ष करती है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय से तुष्टीकरण की राजनीति की और उससे उन्होंने सत्ता संभाला, पर अब उन्हें समझ में आ रहा है कि ये वो बार बार करके फिर से एक बार देखना चाहते हैं कि शायद हम जीत जाए। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने मुस्लिम महिलाओं पे इतना काम किया या मुस्लिम वर्ग पर पूरी तरीके से देखा जाए मुस्लिम धर्म के लोगों के पक्ष में तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए हमारे नेशनल आपसे बात करेंगे। भाजपा से संबंधित तमाम आपने सवाल के उत्तर दिए, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से संजय जायसवाल जी ने आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जो मुझे लगता है जिसका बड़ा विस्तार पूर्व आपने जवाब दिया। तो ये भाजपा की जब बात आती है तो बहुत सारे लोगों के मन में इस बात को कयास भी है, और खासतौर से क्योंकि वो लोग वोट डालते हैं। अब हम अपने साथ में यहाँ पे महिला है उनके पास भी लोगों से पूछना है, क्योंकि आपने जो बातें कही वो कितनी प्रैक्टिकली वो है उसके लिए हम जरूर इस बात को जानेंगे। ये हमारे साथ एक ऐसी महिला है जो दिन भर काम कर रही है, शाम को ही अपने परिवार को संभालती है। भाजपा की सरकार 2017 से यहाँ पे है, आप बताइए आप अपना जो है दिन भर में देखता हूँ कि आप काम भी करती है, शाम को अपने परिवार को संभालती है, सरकार की क्या भूमिका हुई 2017 के बाद से अब तक, क्योंकि शबनम जी ने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जिसकी वजह से ये ऐसा लगता है कि भाजपा सरकार सबसे बेहतरीन सरकार है, लेकिन आप क्या सोचती हो, आप इनसे कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे?
मैं ये सोचती हूँ कि भाजपा सरकार अच्छी है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे पहले जो भी था हम लोगों ने पिछले सरकार को भी देखा था, तब भी हम बाहर निकलते थे, तब भी हम जॉब पे जाते थे, तब भी हम सारी चीजों को फेस करते थे। लेकिन आज के टाइम में जब से भाजपा सरकार है यूपी में, तब भी हम जॉब पे जाके निकलते हैं, जो हम फ्रीडम जो हम चीजें फेस करते हैं सोचते हैं अभी महसूस करते हैं वो पिछले सरकारों में हमने नहीं किया। अभी हम कहीं भी जाते हैं एकदम निहरत जाते हैं, और चाहे कितनी भी टाइम हो जाए तो ऐसे में बिना झिझक के चली आती हूँ बिना डर के। लेकिन पहले हम लोग ऐसा सोचते थे कि अरे चलो थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है, थोड़ा ऑटो रिक्शा नहीं मिल रहा था, तो हम लोग थोड़ा झिझकते थे। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए ये सरकार हम महिलाओं के लिए तो काफी अच्छा है हर स्तर पे। शुभम जी, कहीं ना कहीं प्रो वाले भी लोग यहाँ पे हैं, जो आपने बात की वो मेरी सिद्ध नजर आ रही है, सही सिद्ध नजर आ रही है। मैं खासतौर से आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इस सरकार पे ये भी बड़ा आरोप लगता है कि ये सरकार जो है जो विपक्षी दल लगाते हैं कि मंदिरों की बातें करती है ज्यादा। तो वहीं अभिनेत्री प्रकृति चंद्रा से खास बातचीत की हमारी ब्यूरो हेड सपना चारण ने। इस चर्चा में काफी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की गई। इस चर्चा में क्या कुछ खास रहा है आपको सुनाते हैं। हमारे कार्यक्रम द वाइब्रेंट भारत महायुद्ध 2024 को लेकर हमने बातचीत की, हमारे साथ बहुत सारे गेस्ट मौजूद है यहाँ पर, सबसे अलग अलग विषयों पर बातचीत की हमने, पॉलिटिक्स को लेकर बातचीत की और भी अलग विषयों पर बातचीत की। उसी क्रम में हमारे साथ प्रकृति चंद्रा जो की अभिनेत्री है जिनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मुंबई में अभी ऑलरेडी चल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अभी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बताइए, अपने करियर के बारे में हमारे व्यूअर्स को थोड़ा बताइए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा नाम प्रकृति चंद्रा है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं लोगों को मोटिवेट करती हूँ कि टेंथ के बाद नाइस को वेट कर लेती है, और ये मैं तब से कर रही हूँ जब से मैं 4.5 साल की थी। और आज मेरे एक एफर्ट्स की वजह से हंड्रेड्स ऑफ ऑनलाइन लाइव्स इस दुनिया को देख पा रहे हैं, जिसके लिए मेरा नाम मिलता बुक ऑफ रिकॉर्ड्स चॉइस उसमें आ चुका है। इसके अलावा मुझे बचपन से एक्टिंग का बहुत शौक था, और फाइनली अब मैं बॉलीवुड में मेरा म्यूजिक वीडियो आ गया है और मैं एक स्टैब्लिश एक्टर बन गई हूँ एंड मैं एक डांसर हूँ। और मैं एनिमल्स को भी बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। तो मेरी एनजीओ है जिसमें मेरे सारे बच्चों के लिए बहुत सारा कैंप्स वैम्प्स चल रहे हैं। अलग अलग टाइप के लोगों से हमने आज बातचीत की, तो जैसे कि आप एक्टिंग करती हैं और साथ साथ आप मिलते हैं सोशल वर्कर भी आप हैं, हम लोग इलेक्शन को लेकर बातचीत कर रहे हैं लोकसभा 2024 को, उस पर आपकी क्या सोच है, क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये लखनऊ शहर में हो रहा है, और मैं स्पेशली मुंबई से फ्लाई करके मैं और मेरा भाई लखनऊ आए हैं ताकि हम अपना वोट कास्ट कर सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस देश या किसी भी देश के लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने देश की बागडोर किस इंसान के हाथों में सौंप रहे हैं। पैदा होते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद हम रिटायरमेंट प्लान लेने लगते हैं, बट हमने उस शहर या उस देश में क्या किया जहाँ पे सुविधाएं बढ़ गई है, लड़कियां बेटियां चाहे आप सैनिटरी नैपकिन की अवेयरनेस के लिए करिए, जन औषधि केंद्र बनाए उन्होंने, सस्ती दवा दी, बेस्ट क्वालिटी दवा दी, मतलब हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इजी बनाया, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, आदमियों के लिए नहीं, बच्चों के लिए, यूथ के लिए, अभी क्रिएटर्स मीट कराई। मतलब एक ऐसा इंसान जो इस उम्र पे भी अपना टाइम, अपना बॉडी, अपना एफर्ट सब दांव पे लगा के हमारे लिए काम कर रहा है ताकि हम सबकी लाइफ बेटर हो, तो हमारा तो इतना सफल बनता है ना कि हम जाके लोगों को जुदाए उनमें जरूरी है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, अगर हम सीटों की बात करें तो बहुत लार्ज अमाउंट है सीट्स में भी, तो अगर हम बात करते हैं मुंबई की और उत्तर प्रदेश की, आपको दोनों में से क्या बेटर लगता है और क्या क्या चीज दोनों की बेटर लगती है उसके बारे में थोड़ा सा? देखिए, ये चुनाव करना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि लखनऊ मेरी जन्मभूमि है, मुंबई मेरी कर्मभूमि है, तो मुझे दोनों जगह बहुत अच्छी लगती है। मैं बहुत खुशी महसूस करती हूँ कि मैं लखनऊ शहर में हूँ, और मैं वहां पर भी जाती हूँ बहुत गर्व से कहती हूँ कि हाँ हम यूपी वाले हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं यूपी वाले, अपना सारा घराना आता है,
और मुंबई के लोग बहुत अच्छे हैं, मुंबई बहुत प्यार देता है। आप मतलब ये बस आपकी दिल की बात होती है, आपकी फीलिंग्स की बात होती है कि वही इंसान आपके लिए अच्छा और दूसरे के लिए खराब, वही शहर आपके लिए अच्छा और दूसरे के लिए खराब। आप जो किसी को प्यार देंगे ना, आपको प्यार मिलेगा। आप दूसरों के लिए सोचेंगे, आप दूसरे आपके लिए सोचेंगे। मोदी जी ने क्या कहा, ये पूरा देश मेरा परिवार है, तो आप कहीं भी जाएंगे आपके परिवार जन भी मिलेंगे ना आपको, तो मेरे लिए क्या मुंबई क्या दूसरे मेरे लिए समान है। स्पेसिफिकली एक्टिंग फील्ड की अगर हम बात करें, उसमें अगर आप गवर्नमेंट से चाहेंगे तो क्या चाहेंगे कि ये इम्प्रूवमेंट्स आए, ये चेंजेस हैं, कुछ क्या बेनिफिट्स आप। और वरिष्ठ पत्रकार प्रभात त्रिपाठी से हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने खास बातचीत की, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मेरा अपने कैमरामैन से एक मेरा रिक्वेस्ट है, जब भी वो लाइव लेंगे तो वो मुझे इशारा जरूर करें, क्योंकि फिर हम कुछ पार्ट्स ऐसे भी होंगे इस प्रोग्राम में जो हम नहीं चाहेंगे सीधे डायरेक्टली पहुंचे, तो वो जब लाइव हो तो मुझे इशारा जरूर कर दें कि अब लाइव जा रहे हैं। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ हमारे कार्यक्रम में आए। जैसे हमने आपसे कहा कि महायुद्ध 2024 है और राजधानी में कल यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं, वोट यहाँ पड़ने वाले हैं। लगभग मुझे जितना पता है 2 दशकों से तो मैं आपको देख रहा हूँ कि सक्रिय पत्रकारिता और तमाम ऐसे मुख्यमंत्री जो लखनऊ से होकर के भारतीय राजनीति में भी गए हैं, आपने उनको बहुत नजदीक से कवर भी किया है और साथ में आपने कहीं ना कहीं उन्हें गाइड भी किया है। सर इस बार का चुनाव जो है उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? सर देखिए ब्रजमोहन जी, इस बार के चुनाव में मैं ये देख रहा हूं कि जो चुनाव की एक चमक धमक होती थी वो तो नहीं दिखाई दी। मैं कई जगह गया, पश्चिम में भी गया, पश्चिम में 2 चरण के जो चुनाव हुए वोटिंग टर्नआउट बहुत कम हुआ, लोगों में वो उत्साह नजर नहीं आया जिस तरीके से चुनाव में आता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कई तरीके के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, कई तरीके की भविष्यवाणियां भी होगी। चौथा चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, लगभग 300 सीटों के ऊपर चुनाव हो चुका है, अब 162-163 सीटें बची हैं जिसमें 3 चरण बचे हुए हैं। कल यहां राजधानी लखनऊ में मतदान है 14 सीटों पे 5वें चरण के चुनाव में, बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। यहां लखनऊ से राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं, वो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। पड़ोस में अमेठी और रायबरेली है जहां से स्मृति ईरानी जी हैं, और रायबरेली से एक मां की पैतृक सीट राहुल गांधी को दी गई है जो कांग्रेस के एक इंतराज हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। तो ये जो पूरा चुनाव का मैं जो 2024 का पूरा देख रहा हूं वो मुझे ऐसा नजर कहीं नहीं आया कि नेताओं के जो जनता के बीच एक संवाद होना चाहिए था वो संवाद चाहे वो डेवलपमेंट विकास के नाम पे हो, चाहे वो देश के एक उत्थान के लिए हो, वो कहीं ना कहीं जब मंच चुनाव के सस्ते हैं तो कहीं ना कहीं वो भाषा का जैसे कहते हैं कि भाषा का एक भ्रम का जाल वो जनता के बीच डाला गया पिछले 3-4 चरणों में। अब जो चुनाव की जो गर्मी थोड़ी सी लू के बाद, क्योंकि इस समय लू का मौसम चल रहा है, वोटिंग टर्नआउट कम भी हुआ है, इसका कारण भी हमारे मौसम के आधार पर हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव की एक जिसे कहते हैं जो मैंने 90 के बाद जो चुनाव दिखे उस चुनाव में जिस तरीके से नेता लड़ते थे चुनाव, मुझे वो कहीं नजर नहीं आया कि वो भाषा का बड़ा ऊट पटांग तरीके की भाषाएं अब देश के सामने आ रही हैं, चाहे वो बड़े लेवल पे हो मंच पे या छोटा नेता हो, तो ये कहीं ना कहीं निराशा का एक कारण है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत। और लखनऊ में पादरी सचिन से खास बातचीत की हमारे चैनल हेड ब्रजमोहन सिंह रघुवंशी ने, इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ खास रहा आपको सुनाते हैं। डेवलपमेंट से कहीं दूर रहते हैं और इसलिए उनको कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार के साथ बहुत सारे सरोकार हैं और उनसे उम्मीदें हैं, और उनसे उन्होंने उस उम्मीद के चलते वो उन पर आप दोबारा भी भरोसा करना चाहते हैं। और आज इन्हीं सब चर्चाओं पर बातचीत करने के हम हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं फादर सचिन सिंह। फादर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर। वेलकम, माय प्लेजर, थैंक यू वेरी मच आप सभी का और ब्रिज वंशी आपका, आपने ये न्योता में दिया कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हो चुकी हूँ।
हो सकूं और कुछ बातें वार्तालाप कर सकूं। उत्तर प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।